हेलो गाइस, आप सभी का बाला की रसोई यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की रेसिपी है फ्रूट जेली बनाना। तो आइए स्टार्ट करते हैं फ्रूट जेली बनाना। जेली केक बनाने के लिए ये हमने एक डब्बी जेली ली है और ये हमने एक केला और एक सेब, इसको मैंने अभी कट नहीं किया है, इसको बाद में कट करेंगे, और एक मैंने अनार को छील लिया है। थोड़े से अंगूर को मैंने दो टुकड़ों में कट कर लिया है। और ये मैंने एक बर्तन लिया है और इसमें मैं ये एक गिलास पानी डाल दूंगी। ये मैंने जेली के पैकेट को खोल लिया है और अब मैं इसके अंदर से ये पैकेट निकाल लिया है मैंने और ये पाउडर में इसमें डाल दूंगी। मैंने पूरी डब्बी का ही इस्तेमाल किया है और साथ ही मैं इस पैकेट को कट करके भी डाल दूंगी। और मैंने ये पैकेट को कट कर लिया है, ये भी मैं इसमें डाल देती हूँ और इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। और अब मैं गैस ऑन करके गैस पे रख देती हूँ इसे। ये मैंने गैस को ऑन कर लिया है और अब मैं इसको गैस पे पकने देती हूँ। उबाल आने तक पकाएंगे हम इसको और इसको हम हिलाते ही रहेंगे। जब तक हमारे इसमें उबाल आता है तब तक हम इस केले को और सेब को कट कर लेते हैं। ये मेरा केला कट चुका है, अब मैं इसको सेब को भी कट कर रही हूँ। फ्रूट कट हो चुके हैं, अब मैं इसमें ये बनाना लगा लूंगी। ये मैंने बाउल लिया है एक, और अब मैं ये अंगूर के पीसेस लगा दूंगी इसमें। मैं इसमें ये अनार डाल देती हूँ और साथ ही मैं इसमें एप्पल के पीस भी लगा दूंगी। और अब मैं इसके ऊपर अनार डालूंगी इस प्रकार से। और ये हमारा जेली सिरप बनकर तैयार हो चुका है। गैस को मैं बंद कर देती हूँ। अब मैं इस सिरप को इसके ऊपर डाल देती हूँ। थोड़े से फ्रूट और डालूंगी मैं इसमें। और थोड़ा सा सिरप और डाल दूंगी मैं और इसको मैं ठंडा होने दूंगी। और इसे मैं जमने के लिए छोड़ देती हूँ। हमारी जेली अच्छे से जमकर तैयार हो चुकी है। ये मैंने एक प्लेट ली है, अब मैं इस पे इसको पलट दूंगी इस प्रकार से। और ये हमारे अच्छे से जेली जमकर तैयार हो चुकी है। ये मैंने बची हुई एक इस बाउल के अंदर जमा दिया था, इसको भी मैं निकाल के इसके ऊपर रख देती हूँ। और ये हमारी फ्रूट जेली बनकर तैयार हो चुकी है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।